soft skill trainer, leader, and an exponential motivational speaker. She is a very long and inspiring career of almost 25 years working in a corporate world in Rayad Industries. She is working with World University of Designing and Architecture as being marketing and designing. She also owns a brand, Ashkumanu, and has helping a motivated people from all walks of life to realizing their true potential and take a control of their life. She has helped a lot of women to master their thoughts, behaviors, and habits to live a life of their dreams. She is a certified trainer, mentor, and a leader, and has been confidential of several awards and certificates. Now, I would like to call upon the stage Ms. Meenu Chopra, for whom she will tell us a motivational speech to us. तालियों की गड़गड़ाहट बजा दीजिए। Such a warm welcome, and first of all, I would like to thank Karuna the Compassion, the NGO, which is actually doing a wonderful job in the respect to differently abled students, children, as well as for the women's safety, for women defense. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी. In fact, Chairman साहिबा से मैं आज पहली बार मिली हूँ. और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, और राहुल जी और बलविंदर जी जिन्होंने मेरे को यहाँ पे वेलकम किया, इनवाइट किया है मुझे. आज मैं बहुत देर से वहाँ बैठी थी और सुन रही थी सभी को. जितने भी यहाँ पे बहुत अच्छे स्पीकर्स अभी आए हमारे सामने, उन्होंने बहुत कुछ बोला डिफेंस, विमेन डिफेंस के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए. एक चीज़ मैंने बहुत ही अच्छी कहीं पढ़ी थी जो मैं आप लोग सबसे शेयर करना चाहूँगी. मैंने एक शेयर पढ़ा था, Though I am not a writer, but I read a lot. कि धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा. यानी कहने का ये मतलब है कि अगर हम सिर्फ अपनी आउटर पर्सनैलिटी या बाहर की जो हमारी लुक्स हैं, जो अपीयरेंस हैं, सिर्फ उसी को ठीक करते रहेंगे, तो जो दिल के अंदर मैल है और दिल के अंदर जो बुराई है, जो गंदगी है, जो हमारा देखने का नज़रिया है लोगों को, वो कभी नहीं बदलेगा. सो हमें सबको सिर्फ यही करना है. अभी बहुत सारे स्पीकर्स आए, उन्होंने बहुत ही प्यारा बोला, बहुत अच्छी पोएम्स भी हमने सुनी. उनका भी यही शायद मानना था कि अगर हम अपने घर के बच्चों को, ना सिर्फ लड़कों को, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ एक बेटे की, सिर्फ लड़कों को नहीं और लड़कियों को भी, और हम सभी को शायद ये अगर हम ज्ञान दे दें और उनको ये बता दें कि हर किसी की एक अपनी पहचान होती है, अपनी रिस्पेक्ट होती है, ना सिर्फ औरतों की, इवन हर पुरुषों की भी, सभी की एक रिस्पेक्ट होती है. उनको अगर हम रिस्पेक्ट से देखें, उनको अपने नज़रिया अपना चेंज कर लें देखने का, तो इस दुनिया में खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हर चीज़ खूबसूरत नज़र आएगी. एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आज खड़े हैं. सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी करुणा द कंपैशन की 7वीं वर्षगांठ है आज, और उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में. और मुझे मालूम है, मैं समझ सकती हूँ कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया होगा, किस लेवल से शुरू किया होगा, और आज अगर इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि इतने लोग इस कार्यक्रम को अटेंड करने आए हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत ही लगन है, बहुत एफर्ट्स हुए होंगे. तो मैं सिर्फ लास्ट में, बिफोर आई कैन जस्ट लीव, ये बोलना चाहूँगी कि चार चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में, हर किसी के लिए, कि शिक्षा जो है वो हमें ज्ञान देती है. शिक्षा ज्ञान देती है, प्रतिभा पहचान देती है, योग्यता हमें स्थान देती है, और इन तीनों चीजों का मिश्रण अगर इंसान की जिंदगी में आ जाए तो उस इंसान को सम्मान देती है. यही सम्मान मैं आशा करती हूँ और प्रेयर भी करूँगी, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो बच्चे जिन्होंने अभी यहाँ परफॉर्म किया, ये लोग जो इतने खूबसूरत लोग, प्यारे लोग हैं, जिन्होंने ये संस्था बनाई, जिन्होंने एनजीओ खोला, उन सभी को हमेशा इसी प्रकार सम्मान मिलता रहे, और वो बहुत अच्छा काम करते रहे सोसाइटी के लिए और हम सबके लिए. शुक्रिया, थैंक यू.